आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, चंगे होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है कानपुर ब्लॉगर नियति और मैं हूँ नियति। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इन मिर्चों की भरवा रेसिपी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं बनाती हूँ इसको। बहुत सारे लोग इसमें बेसन भरते हैं लेकिन मैं बेसन भर के नहीं बनाती, मैं बनाती हूँ इसमें आलू भर के, और वही रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है और साथ में इसके जो पकौड़े बनते हैं ना वो तो मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। तो ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ ठीक इसी तरह से पकौड़े भी बनते हैं। इसमें मैं जो आलू भरूंगी वैसे ही भर के और बेसन में डिप करके तल लिया जाता है, लेकिन अगर आपको कम ऑयल में खाना है तो आप इस तरह से ये बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी, ज्यादा बातें नहीं करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि इसे मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो गाइस मिर्चे के भरावा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मिर्चे लिए हैं, ये 250 ग्राम मिर्चे हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद इन्हें मैं बीच से कट करूँगी, यानी कि इसमें जो आलू भरूँगी इसके लिए मुझे बीच से कट करना होगा। और यहाँ आलू मैंने उबाल के और इसे मैश करके रख लिया है। तो चलिए आप गैस पर चढ़ा देते हैं कढ़ाई। तो यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और साथ में मैं डालूँगी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट कह सकते हैं, वैसे मैंने उसको पेस्ट नहीं बनाया है, दरदरा कूट लिया है। तो गाइज यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैं अदरक और लहसुन जो कूट के रखा था वो डाल दिया है और इसको अच्छे से भून लूँगी, बिल्कुल ब्राउन कर लूँगी और उसके बाद इसमें कुछ मसाले मिला दूँगी। तो यहाँ पे अदरक लहसुन जो है वो ब्राउन हो चुका है, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर और साथ में मैं डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, और इसको बहुत देर तक नहीं भूनूंगी क्योंकि ये सूखे मसाले हैं तो जल जाएंगे। आज बिल्कुल मैंने धीमी रख कर रखी है, तो बस इसको चलाऊंगी और उसके बाद मैं कटा हुआ हरा मिर्च और धनिया डाल दूंगी और उसके बाद इसमें आलू डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च डाल दी है, अब इसको अच्छे से मिला लूंगी और उसके बाद इसमें जो मैश किए हुए आलू रखे हैं वो डालूंगी और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो गाइस मसालों के साथ आलू को मैंने मिक्स कर लिया है, उसके बाद यहाँ डाल रही हूँ नमक, और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और थोड़ी देर इनको भून लूंगी। भूनने से क्या होगा, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो आप देख सकते हो इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी और तब तक यहाँ पे मैं सारे मिर्चे जो हैं उनको बीच से कट कर लूंगी। आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं कट कर रही हूँ, ऐसे कट करके इसके अंदर जो आलू मैंने फ्राई किए हैं उनको इसमें भरना है। तो सारे मिर्चे हैं एक एक करके इनको सबको मैं इसी तरह से काट लूंगी। तो यहाँ पे सारे मिर्चों को मैंने कट कर लिया है, अब आलू भी मेरा जो है वो ठंडा हो गया है, तो बस अब एक एक करके सारे मिर्चों में ये जो आलू बना के रखा है मैंने इनको भर लूंगी। और आप चाहो तो हाथ से भी भर सकते हो, चम्मच की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं चम्मच से भरूंगी लेकिन हाथ का प्रयोग तब भी करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं चम्मच से भर रही हूँ लेकिन हाथ का भी प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आलू है उसको हाथ से ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ बस एक एक करके सब में भर दे रही हूँ और भरने के बाद मैं दिखाती हूँ आप लोग को किस तरह से इसको फ्राई करना है कम ऑयल में। इसमें बहुत ही कम ऑयल लगता है और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सारे जो मिर्चे हैं वो मैंने भर लिए हैं। यहाँ पे मिर्चों को फ्राई करने के लिए मैंने लिया है एक नॉनस्टिक पैन, आप चाहो तो तवे का यूज भी कर सकते हो, तवे पे भी बहुत अच्छे से फ्राई होता है ये मिर्चा। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, आप देख सकते हो कि मैंने ऑयल की मात्रा बहुत ही कम ली है। अब इसको मैं क्या करूंगी, पूरे बर्तन में फैला दूंगी ताकि जो मिर्चे हैं वो अच्छे से पक जाएं और ऑयल भी बहुत ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पे पूरे तवे पे मैंने जो है वो तेल को फैला दिया है, अब इसमें एक एक करके सारे मिर्चे डाल दूंगी और मिर्चे डालने के बाद कुछ देर के लिए ढक दूंगी। ढकने से क्या होगा कि ये जो मिर्चे हार्ड होते हैं वो धीरे धीरे पक जाएंगे। तो यहाँ पे सारे मिर्चे मैंने डाल दिए हैं, अब इसको ढक दूंगी और कुछ देर बाद इसे खोलूंगी और फिर इसको पलटूंगी। तो गाइज आप देख सकते हो कि कुछ देर बाद इसे मैंने खोला है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे हैं अब धीरे धीरे। तो इसी तरह आपको अलट पलट के इसको पकाना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन जब इसको आप अच्छे से पकाते हो तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फिर इसे ढकूंगी और फिर कुछ देर बाद चेक करूंगी, इसी तरह मैं पकाऊंगी इसे। तो गाइज आप देख सकते हो कि मिर्चे पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं, यानी कि ये फाइनल लुक है इसका।
तो इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से आप पकाओ, और थोड़ा ये ध्यान रखो कि जब भी इसे पकाओ ढककर ही पकाओ। तो बस गाइज, अब इसे मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो यहाँ पे तैयार हो चुका है भरवा मिर्चा आलू का। तो गाइज, अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।